jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। 19 साल पुराने काला हिरण शिकार केस में सुनवाई के लिए सलमान खान गुरुवार को जोधपुर पहुंचे। इस दौरान वे वकीलों के साथ कोर्ट गए और जरूरी कार्यवाही पूरी की। सलमान की इस विजिट की जानकारी सीक्रेट रखी गई थी। वे स्पेशल एयरक्राफ्ट के जरिए मुंबई से जोधपुर एयरपोर्ट आए। इस दौरान सलमान ने किसी से बात नहीं की, उनके साथ बॉडीगार्ड शेरा भी थे। बता दें कि जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के वक्त सलमान के खिलाफ शिकार से जुड़े 3 और 1 आर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ था। 3 केस में कोर्ट उन्हें बरी कर चुकी है। हिरण शिकार के आखिरी केस का फैसला फरवरी में आने की उम्मीद है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त मीडिया कर्मियों ने उनसे हालिया रिलीज फिल्म टाइगर जिंदा है की सक्सेस को लेकर सवाल पूछे। सलमान ने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी में बैठकर सीधे कोर्ट रवाना हो गए। वे ब्लू जैकेट पहने हुए थे। बता दें कि 1 अक्टूबर 1998 की रात सलमान पर कांकाणी गांव के पास 2 काला हिरण के शिकार का आरोप है। इसी केस में सलमान के अलावा सैफ अली खान, तबू, नीलम और सोनाली बेंद्र पर शिकार के लिए उकसाने का केस चल रहा है। जनवरी के आखिर तक केस की सुनवाई पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद कोर्ट फरवरी तक फैसला सुना सकता है। 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के वक्त सलमान पर जोधपुर के पास 3 अलग अलग जगहों पर शिकार का आरोप है। सलमान के खिलाफ घोड़ा फार्म हाउस और भवाद गांव के पास छिंकारा का शिकार करने पर 2 केस दर्ज हुए थे। तीसरा केस कांकाणी गांव में 2 काला हिरण का शिकार करने का है। सलमान के खिलाफ चौथा केस आर्म्स एक्ट से जुड़ा हुआ है। भवाद गांव में 26 से 27 सितंबर 1998 की रात को और घोड़ा गांव में अगले दिन हिरण का शिकार किया था। घोड़ा फार्म शिकार मामले में सलमान को राजस्थान की एक लोकर कोर्ट ने 5 साल और भवाद मामले में 1 साल की सजा सुनाई थी। सलमान ने इस फैसले के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने इसी साल 25 जुलाई 2016 को गवाह की गैर मौजूदगी में सलमान को बरी कर दिया था। राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं आर्म्स एक्ट केस में बरी किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।